नमस्ते दोस्तों, आपका स्वास्थ्य के इस नए वीडियो में सभी का बहुत स्वागत है। काफी दिनों से कमेंट्स में एज इट इज के विटामिन सी कैप्सूल के डिटेल रिव्यू की लगातार मांग हो रही थी, तो आज आप सभी के लिए इस विटामिन सी सप्लीमेंट का ये डिटेल वीडियो हाजिर है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आगे वीडियो में हम इस कैप्सूल से जुड़ी सभी जरूरी बातों को उजागर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाले सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, विटामिन सी कैप्सूल के बारे में बात करने से पहले आपको विटामिन सी के हेल्थ इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी एक पोटेंट इम्यून बूस्टर है जो बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर और रीजनरेट करता है। ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर में आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी ना मिले तो आपको खून की कमी हो सकती है। ये स्कर्वी नाम की बीमारी से हमें बचाता है। स्कर्वी में हमारे मसूड़ों में सूजन हो जाती है और वहां से खून आने लगता है। विटामिन सी शरीर में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को घटाता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि विटामिन सी फ्री रेडिकल को कम करता है, यानी ये कैंसर के प्रिवेंशन में काफी हेल्प करता है। बार बार होने वाले सर्दी और जुकाम में विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा कोलेजन, जो अपनी त्वचा को जवान और टाइट रखता है, उसके नॉर्मल सिंथेसिस में ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो अब बात करते हैं एज इट इज के विटामिन सी की। तो ये एक वेज सप्लीमेंट है जिसका हर कैप्सूल 500 मिलीग्राम का है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। ये कैप्सूल ग्लूटेन फ्री, इसमें किसी भी तरह के फ्लेवर, शुगर या फिर सॉल्ट और कलर को नहीं मिलाया गया हुआ है। तो अब देखते हैं कि विटामिन सी के कमी के लक्षण क्या होते हैं। विटामिन सी के कमी से होने वाले लक्षणों में बार बार थकान आना, मसल वीकनेस फील होना, मसल्स में दर्द यानी पेन होना, मसूड़ों से बार बार खून आना, पाँव में रैशेस आना, शरीर में आयरन का एब्सॉर्प्शन ठीक से ना होना और उस वजह से खून की कमी होना, और उसके वजह से बार बार थकान आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कोई तकलीफ है, या फिर जिम जाते हैं, या आपको हाई एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं, यदि आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है और स्किन से लस्टर एंड नेचुरल चमक खो गई है, तो ये कैप्सूल आपकी ज़रूर मदद करती है। तो विटामिन सी के डेली डोज के बारे में आप जानते हैं। एक वयस्क पुरुष यानी एडल्ट मेल की लगभग ज़रूरत 90 मिलीग्राम होती है। एक महिला को दिन में 75 मिलीग्राम और गर्भवती महिला को 85 मिलीग्राम और स्तनपान करने वाली माता को 120 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने वाले लोगों को विटामिन सी से काफ़ी फायदा होता है, लेकिन इसके लिए डोज 250 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए। इसका हर कैप्सूल 500 मिलीग्राम का है, जिसका कंटेंट एस्कॉर्बिक एसिड है। अब आप सोचेंगे कि इसकी डेली नीड तो 90 से 250 मिलीग्राम है, तो फिर 500 मिलीग्राम की कैप्सूल क्यों? तो दोस्तों, ऐसा है कि जब हम कैप्सूल लेते हैं और उसका डाइजेशन होता है, तो काफ़ी सारा एस्कॉर्बिक एसिड उस प्रोसेस में लॉस हो जाता है और हमें लगभग 100 से 120 मिलीग्राम विटामिन सी ही मिल पाता है। तो दोस्तों, इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका एक कैप्सूल आप दिन में कभी भी कुछ खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। इस कैप्सूल के कोई भी नॉन साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की जरूर सलाह लेनी होगी। दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए 2 कैप्सूल पर डे लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एज इट इज के विटामिन सी कैप्सूल की। यदि आपको इस कैप्सूल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक जरूर चेक करें। आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।